हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज पी सिंह वेलकम्स यू इन KCSE मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3 पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है कि हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, एक कॉनिकल टेंट है इस तरीके से, और इस कॉनिकल टेंट की जो हाइट है इट इज 10 मीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो रेडियस है इट इज 24 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बेस रेडियस इज इक्वल्स टू 24 मीटर। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें पूछा है व्हाट इज सिलेंट हाइट, क्या पूछा है उसने, सिलेंट हाइट, और सेकंड पूछा है द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेकिंग द सच टेंट एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, सिलेंट हाइट। ओके, सिलेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच मीन्स हाइट ऑफ द कॉन, आर मीन्स रेडियस ऑफ द कॉन। ओके, तो हाइट जो दी गई है इट इज अबाउट 10 मीटर, इट मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 24 मीटर, मीन्स 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। क्लियर, इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 676 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 26, इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 676 इक्वल टू 26 मीटर। इसका मतलब एल आपके पास आ गई 26 मीटर, मीन्स एल होती है आपके पास यहाँ से ये सिलेंट हाइट, और ये है आपके पास 26 मीटर। नेक्स्ट पूछा कॉस्ट ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज ₹70 पर मीटर स्क्वायर। फॉर दैट इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज अ कॉन, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर और एल, क्या होता है पाई आर एल, और पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स रेडियस दैट वाज 24 मीटर, इनटू एल मीन्स सिलेंट हाइट इट इज़ अबाउट 26 मीटर। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22/7, 24, 6 of 144, दैट्स मीन्स कैरी 4, कैरी 14, 24 × 48, 48 और 14, 62, 624। अब हम क्या करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसका मतलब 22 × 4 = 88, 22 × 44, 22 × 88 और 22 × 44, 44 × 8 = 52। क्लियर, 22 × 132, 132 × 5 = 137/7 m². अब उसने कॉस्ट भी दी है, और कॉस्ट क्या दी है कि कॉस्ट ऑफ 1 m² कैनवास इक्वल्स टू ₹70, 1 m² की जो कॉस्ट है वो ₹70 है, और मेरे पास कितने मीटर स्क्वायर है 13728/7 m². इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 13728/7 m² कैनवास इक्वल्स टू 70 × 13728/7, 7 से कट जाएगा 10 times, इट मीन्स रुपीस 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 137280। कितनी कीमत आएगी उसकी, 1,37,280 rupees needed to make the tent। क्लियर, टेंट को बनाने के लिए 137,280 rupees की आवश्यकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।